बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक ठाक। और माशाल्लाह माशाल्लाह, आज जो है ना 7 रोज़े हमारे अल्लाह का करम के कंप्लीट हो गए। और बस ये जो रहमतों का अशरा ना, बड़ी तेज़ी से जा रहा है ये। और अब जो है, अब लगेगा रहमत के बाद लगेगा बरकतों का वो अशरा लगेगा। तो जी, जितनी बरकतें लूटना चाहें उतनी लूटें, अल्लाह का जो है ना जिक्र करें, लोगों को खुश रखें, उनका ख्याल रखें, और बस सबके लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनके सदक़े में आपकी भी दुआओं को कबूल करेगा। अल्लाहुम्मा आमीन। तो जी, आज जो है ना, आज हम हमारी सहरी में दावत है, और आज दावत सहरी बन रही है। और माशाल्लाह से आज जो है ना, अभी बस आने वाले हैं मेहमान, तो वो भी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। लाजमी होते सहरी में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि तरावी भी पढ़ के आते मर्द हजरात, उसके बाद थोड़ा लेट जाते हैं। तो भी आ रहे हैं और मेहमान हमारे आ रहे हैं, और आज हम अपनी सहरी में जो ना आज बना रहे हैं चिकन स्टू बनाएंगे, और अंबर की फरमाइश पे बन रही है आलू की कतलियाँ। तो जब तक हम कटिंग वटिंग कर लेते हैं, फिर आते हैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करने। तो जी, हमारे मेहमान भी आ गए। वालेकुम अस्सलाम। और क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, आज हमारे छत पे है ना रौनक लगी हुई है, और अभी और हमारे मेहमान आ रहे हैं। अम्मा, ये लहसुन छील, ये लहसुन छील। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, मैं स्टू बनाने की तैयारी कर रही हूँ। एक बर्तन ले लिया है स्टू बनाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया तकरीबन 1 प्याली के करीब, और चिकन का गोश्त तकरीबन 2.5 किलो के करीब है। तो यहाँ पे मैंने प्याज है ना, ये मैंने प्याज ले लिए तकरीबन 3 पाव के करीब है, और इसको है ना, अच्छा आज है ना मेरा तीनों कटर मेरे गायब हो गया। आज मेरे कटर ही नहीं मिल रहे, तो अभी छुरी से काटा है, छुरी भी गायब हो गई आज। तो अभी ऑयल गर्म हो जाए ना, तो यहाँ पर मैं आधी प्याज डालूंगी। अच्छा, मैं इस तरह से बनाती हूँ, हो सकता है आप दूसरे तरीके से बनाते हो, तो थोड़ी मैं आधी प्याज इसमें डालूंगी, आधी प्याज जो है ना मैं बाद में डालूंगी यानी दम पर। तो अभी ऑयल गर्म हो जाए, तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसके अंदर आधी प्याज। अभी टाइम कम है, तो बस जल्दी जल्दी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ प्याज डाल दी है, वो देना मोतर गर्म मसाला। अच्छा, कूलर नहीं आया पर। अच्छा, यहाँ प्याज है ना थोड़ा सा नरम हो जाए, तो मैं यहाँ पर डालूँगी गर्म मसाला। ये सारा मैंने गरम मसाला ले लिया, यानी लौंगे, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, और 2-3 लिए मैंने सब्ज़ इलायची, दालचीनी के लिए 2-3 टुकड़े, एक तेज़पात पत्ता लिया है। ठीक है, ये डाल दूंगी मैं यहाँ पर गरम मसाला। तो प्याज जो है ना थोड़ी सी मुरझा गई, तो अब मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ टमाटर। ये 1 किलो से कम है टमाटर। अच्छा, टमाटर से बहुत अच्छा इसका जो है ना जायका आता है। ये टमाटर डाल दिए। अच्छा, हरी मिर्च जो हम बाद में डालेंगे, अभी नहीं डाल रहे। ये थोड़ा सा नरम हो जाए जब तक चलाऊंगी मैं। अच्छा, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ उसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा 2 चम्मच डाल रही हूँ, और 1 चम्मच डाल रही हूँ साबुत धनिया, और एक चम्मच डाल रही हूँ कुटा हुआ धनिया। ये इसको कूट लिया था मैंने ना, ये डालेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, ये चिकन का गोश्त है, ये शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चिकन को जो है ना इसमें अच्छे से कलर चेंज होने तक इसको ना मिक्स करेंगे। अच्छा, यहाँ पर है ना मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, और ये डालेंगे हम, ये गोल लाल मिर्ची होती है ना, ये मैंने इसको तोड़ लिया था बीच में से, तो ये हम डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे तकरीबन 25-26 के करीब में जो है ना मैंने मिर्ची डाल दी इसके अंदर, और ये है लहसुन साबुत, तो उसको छील लिया था, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, ये अभी छीला है ना, बहुत बारीक छिलके हैं इसके। तो लहसुन एक पूरी पोती होती है ना, वो डाल दी मैंने इसको ना, और इसी टमाटर के पानी में इसको हम जो है ना पकने देंगे।
यहाँ पर जो है मैंने स्टू जो है ना ढककर पकने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मैं आलू की कत्ती बना रही हूँ, और अंबर जो है ना भिंडियाँ काट रही है, तो अभी थोड़ी सी भिंडियाँ भी बनाएंगे हम। गुड़िया तो आलू की कत्तियाँ जो है ना मैं ऐसे बना रही हूँ कि ऑयल डाल के, मैंने एक प्याज डाल दी थी, गरम मसाला डाला मैंने, और ज़ीरा डाला है मैंने इसके अंदर ज़्यादा यानी एक चम्मच, और आलू डाल दिए, एक टमाटर डाल दिए काट के, थोड़ी सी हम कुटी लाल मिर्च डालना है, और हल्दी पाउडर, और नमक डाल दिया था ना मैंने, नमक डाल दिया था। अच्छा साबुत गोल लाल मिर्च ना ही दे दें, हाँ तो बस ये साबुत गोल लाल मिर्च डाल रही हूँ बस थोड़ी सी, एक गर्म मसाला करेंगे। किसका ये रहा मेरे पास पूरे है, हाँ पानी डाल दूँ ना इसमें ताकि थोड़ा गल जाए। गुड़िया इधर रख दिया बेटा। अच्छा भिंडियाँ कटी, ये भी ये हो जाए फिर चढ़ाऊँगी मैं। अच्छा इसको हमने पकने के लिए रख दिया। अच्छा यहाँ पर हम जल्दी जल्दी है ना अभी लस्सी बना लेते हैं गुड़िया। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में लस्सी, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन प्योर का स्ट्रॉबेरी पाउडर है, ये बहुत ही अच्छा है और एनर्जी पाउडर है, इसको आप सैलड में भी डाल के आप खा सकते हैं, दही में भी डाल के आप इसको जो है ना यूज़ कर सकते हैं, शरबत भी बना सकते हैं, और इसको आप लस्सी भी बना सकते हैं। तो हमें चाहिए एनर्जी, तो एनर्जी हम किसी भी तरीके से जो है ना यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छा इसका लिंक जो है ना मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप अगर मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं, 10 शवाना लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना ये आधा किलो के करीब दही लिया है, ये डाल रही हूँ मैं, और आपको दिखाऊंगी मैं कि स्ट्रॉबेरी लस्सी बनी कैसी है। तो दही को पहले हम फेंट लेंगे अच्छे से, बिस्मिल्लाह। तो दही को हमने फेंट लिया, इसमें डाल रही हूँ मैं, इतना ही दूध डालूँगी मैं जितना दही लिया है, और इतना ही हम पानी डालेंगे इसके अंदर, ज़्यादा गाढ़ी हुई लस्सी अच्छी नहीं लगती, ये डाल हाँ चिपक जाती है। अच्छा अंबर इसको मिक्स करो, अंबर इसको मिक्स करो। अच्छा अभी हमने इसके अंदर चीनी नहीं शामिल करी है, और आप लोग भी कोशिश क्या करें कि चीनी ज़्यादा यूज़ नहीं किया करें, क्योंकि चीनी जो है ना ज़्यादा अच्छी नहीं होती हमारी हेल्थ के लिए, तो कम यूज़ करना चाहिए, अगर आप करना चाहते हैं तो फिर कम जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा लोग पीते हैं ना मीठा तो हड्डियों में तकलीफ हो जाती है। अच्छा ये जो मीठा, हाँ चीनी नुकसान देती है बहुत। चलो अंबर इसको मैं ये डाल रही हूँ, देखिए जी जो स्ट्रॉबेरी पाउडर है ना ये इस तरह से है, और ये यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लुक लाइक कॉफ़ी, हाँ कॉफ़ी की तरह, हाँ ये 3 चम्मच डाल रही हूँ मैं, क्योंकि लस्सी ज़्यादा बना रहे हैं ना हम, ये ठीक है। तो जी हमारी स्ट्रॉबेरी लस्सी तैयार हो गई, ये देखें इस तरह से, ये कोल्ड कॉफ़ी लग रही है, हाँ है ना, मगर फ्लेवर बहुत अच्छा है इसका, कोल्ड कॉफ़ी जैसा, हाँ तवा नहीं गरा गरम वो। अच्छा तवा जलाई का पे अभी मैंने ना अभी जला है, तवा तो जलता ही, अभी मैं खोल लूंगी। नहीं वो एकदम लगता है ना। अच्छा यहाँ पे मुझे कुछ कम्युनिटी पढ़नी थी, तैसे नाम लेने थे, तो जी यहाँ पे मैं ना अपने कुछ सब्सक्राइबर के नाम ले लेती हूँ। मधिया अहमद हैं, अगवानी जाफरी हैं, स्टोरी टाइम लाइगमा हैं, बिल्किस मुस्तफ़ा, अली जहरा, नाज मिर्ज़ा, खतीजा इमरान, फैज़ान अजहर, तरन्नुम नाज और शेख सद्दीकी हैं, रफत खान हैं, माया खान हैं, फिज़ा शेख, सुल्ताना बेगम, नाजिश शौकत और अक्सर मुबीन हैं, अब्दुल्ला ज़ुबैर हैं, तलत नवाब ये कहते हैं, अच्छा तलत नवाब हैं और इनकी तबीयत ठीक नहीं है, किसी अली जहरा की, इन्होंने अपने कहा है कि सबसे बोलें कि मैं हमारे लिए दुआ करें, और जी ये रुखसाना ब्रोही हैं, USA में रहती हैं, इनके पोते की तबीयत ख़राब है, अब्दुलरहमान नाम है, तो उन्होंने कहा है कि अपने सब्सक्राइबर से कहें कि ख़ास तौर पर ना दुआ करें, और शेला हैं, उन्होंने भी कहा है कि मेरा नाम ज़रूर लें। तो जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और सबके लिए मेरी यही दुआ है, आज माशाल्लाह से 8वां रमज़ान हो गया, कि अल्लाह पाक सबकी कोई भी परेशानी अल्लाह पाक दूर कर दे, सेहत तंदुरुस्ती दे सबको, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी यहाँ पे हमारी आलू की कतली बन रही है, यहाँ पे जो है ना कबा ये अपने पराठे बनाने की तैयारी हो रही है, और अब जो है ना मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी।
यहाँ पर चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गए, और अब जो है ना मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही, और थोड़ा दही जो है ना मैं इसमें आलू कतली में भी डाल दूँगी। यानी 1.5 पाव के करीब मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया, और अब जो है मैं खोल के इसको जो है ना भूनूंगी। तो भूनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है ना जब तक हम पराठे वगैरह बना लेते हैं। आलू की कतली तो पक गई, मैंने इसके अंदर है ना अदरक डाल दी, हरी मिर्चें और ये हरा धनिया। इसको ढक के ना उधर रख दो बेटा। खुशबूदार धुएंदार आलू की कतलियाँ पीली मज़ेदार सी तैयार है। इसको ढक दो, इसको ना आराम से करना। अभी मोहतर का हाथ भी जल गया, उठा लूँगी। हाँ उठा लूँगी। और मुझे फ्राई पैन दो जल्दी से, मैं भिंडियाँ बना लूँ। बस ज़्यादा बड़ा नहीं करो ना, आटा ढलक जाता है। हाँ बस सही, आराम से किनारे ना किनारे भी बेला करो साथ में। क्या ये लहसुन है? लहसुन ही डालेंगी। डालो। छुरा निकला है इतने से लहसुन काटने के लिए, इतना बड़ा छुरा निकला है। अरे नहीं 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 नहीं, बस प्याज नहीं, जीरे वाली बना रहे हैं। पूरे घर में मल दी। और थोड़ी सी ये डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्ची डाल दो, कुटी हुई मिर्ची, हरी मिर्च डाली है मम्मी ने, और ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। नमक डाल दो थोड़ी, बस। अल्लाह गर्मी ऐसी हो गई। और आज ही ना मैं आई हूँ आज कराची से, दोपहर को आई हूँ मैं, वो कोई आया अभी कहीं से। तो यहाँ पे ना एनी आ जाओ इधर। तो यहाँ पे हमारी भांजी भी आ गई है, इकलौती भांजी। वालेकुम अस्सलाम। और स्टू जो है ना हमारा ये अभी पकने वाला है, तो यहाँ पर जो प्याज बचाई थी ना मैंने, वो मैं डाल रही हूँ। किस चीज़ का स्टू? चिकन का। मटन में तो टाइम लगता है ना गलने में, इस वजह से मैं भी डाल देता चिकन का बनाने, वो जल्दी बन जाता है और टेस्ट मिल जाता है। हाँ अच्छा, वो अपने बचपन की कोई बात बताओ जो तुम्हें याद है अभी तक और अभी तक गुस्सा आता है। कौन सी वाली? कटिंग वाली बता दे। कौन सी वाली? कटिंग वाली। कटिंग क्या करा था? महाराज जी ने मेरी बेबी कट किया। अच्छा यहाँ जो काट दिया था। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, बता। भाई महाराज जी ने की मेरी बेबी कटिंग, मैं छोटी थी काफ़ी, बड़ी होंगी। इन्होंने कटिंग मेरी पहले इतनी की, अब मैं कह रही हूँ महाराज जी आँखों में जा रहे हैं। हाँ ये बात तो सही है। फिर यहाँ वो भी आंखों में जा रहे हैं। फिर महाराज जी ने यहाँ कर दी वो टेढ़ी और कहने लगी अब नहीं जाएंगे इन आंखों में, कितने परफेक्ट लग रहे हैं। तो वो मैंने तकरीबन 1 महीने बर्दाश्त किए बाद हमें पता है टीवी में क्या हुआ है। और उसका भी तो हो गया था, वो मानू के अंबर ने वो लगा दी थी। अंबर ने तो सीन किया था, अंबर थी उसे लेके बैठी थी शेविंग मशीन, और महानूर के जो है ना उसका अंदाजा नहीं हुआ कि एकदम बाल उड़ गए। पता नहीं था अंबर आए दो ना। ओ अंबर अंबर हाँ देखो, तुम भी अपने हाथ लगाओ। तो हमारे छत पे शोर बहुत हो रहा है क्योंकि बच्चे माशाल्लाह जो है ना बच्चों में शोर होता है। हाँ तो माशाल्लाह समझदार सही, बच्चे से तो रौनक होती है। हैं उसकी खुशबू आ रही है। हाँ लो भाई अंबर, अब है ना लीमू रह गया नीचे, लीमू किससे मंगाऊं? लीमू कोई ला देगा? नीचे रखे फ्रिज में। माना जी कुछ कैरी हो गया क्या? किसने करी? मैंने की है। अरे वाह, मांजी पूरी मांजी स्कूल के लिए। अरे वो चूरा ना, वो चूर मैंने कम कर दिया ना, अभी तेज हो गया, इस वजह से नहीं हो रहा होगा। अरे हुरी इधर आओ, वो पानी का जग ला के दो ना, दे दो। हाँ तो स्टू को मैंने ना अच्छा से भून लिया है, और इसमें मैं आखिर में जो है ना फाइनली डाल रही हूँ थोड़ी हरी मिर्च,
और इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना ये बारीक कटी हुई अदरक है ये डाल देंगे, और इसको जो बस इसको ढककर हम रख देंगे। अभी परांठे बन जाए उसके बाद डिश आउट करेंगे। उरिया इधर आना, उरिया ये ढक्कन दो इसका। भिंडियाँ पक चुकी हैं और अब मैं जो है ना आधा लीमू डाल देंगे उसमें। तो ये अभी मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बनी है ये कि भाई थोड़ी सी भिंडियाँ बना दो, तो रखी हुई थी इत्तेफाक से। अब मैं इसका फ्लेम बंद कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर ना एरी बना रही है पराठे और बहुत तक प्याज काटती है, जल्दी जल्दी काम हो रहा है, बातें भी चल रही हैं। और अभी यहाँ पर ना अभी थोड़ी देर पहले बड़ी अच्छी बातें हो रही थी। तो क्या बातें हो रही थी? बातें इधर अच्छी हो रही थी कि हमें जो है अपनी आदतें बेहतर रखनी चाहिए, और यही आदतें हमें क़यामत के दिन बड़ा काम आएंगी। क्योंकि अगर हमारी आदतें बुराई करने की और किसी को परेशान रखने की होंगी तो हम उसी का हमें सवाब या वो जो गुनाह है वो मिलेगा। लेकिन अगर हमारी आदतें बहुत अच्छी होंगी तो जाहिर सी बात है आखिर वक्त में हमें कलमा भी नसीब हो सकता है। अगर हमें कलमे की आदत होगी, अच्छी बात करने की आदत होगी, दिन में पढ़ते रहना अपना वीर्द रखते रहना जी, खुद हमें नहीं तो जब हम उठेंगे इंशाल्लाह कब्र में हम उठेंगे, ये रोज़े हशर जब उठेंगे हमें आदत होगी कलमा पढ़ने की, तो हम कलमा पढ़ते ही उठेंगे। और अगर हमें आदत नहीं है कलमे की तो बस अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलाए, सबको नेक हिदायत दे अल्लाह ताला। और अभी देखो कैसे जल्दी ना अभी 7 रमजान गुजर गए माशाल्लाह परफेक्ट। और अंबर ने बिल्कुल बिल्कुल, तो बस वक्त का काम गुजरना है। अब कहते हैं ना इंसान कुछ भी कहने से पहले सोच ले, क्योंकि अब जैसे वक्त निकल गया वापस नहीं आएगा। बिल्कुल, जबान से कोई लव निकल गया वापस नहीं आएगा। मैं कहती हूँ ऐसा लव ना हो जिससे शर्मिंदगी हो जब मेरा सामना हो ना किसी से। यू टर्न रखना चाहिए। हाँ, यू टर्न रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बस हद पार कर दो। बिल्कुल नहीं, हम इंसान है, हमें वैसे भी नरम दिल होना चाहिए, हमारा गुजारा ही नहीं है। आजकल मैंने देखा है ना ज़्यादातर ना हाइपर हो जाते हैं, जैसे बच्चे भी हाइपर हो जाते हैं। जैसे अगर बच्चों को डांटो कहते हैं हमें डांट दिया, और हमें ये बात कह दी, इंसल्ट कर दी हमारी उनको ज़्यादा इंसल्ट फील होती है। जबकि ना पहले जब हम छोटे थे हमें ऐसा फील नहीं होता, भी डांट देते थे। अब भी मैं इसकी खाला हूँ, मैं भी कुछ बात डांट देती थी, मगर अब जो है ना अगर बच्चे खाला डांटेंगे ना अम्मी खाला ने डांट दी, डांट दिया तो बच्चे क्या बोलेंगे, कौन जाती है वहाँ पर जा रही है। सही बात है, करने की जरूरत नहीं है, ऐसा होता है। और जवाब दे देते ना तो वो बड़ा दुख होता है। उनको कोई बाज माँ बाप तो फखर से बताते हैं कि मतलब इतना दिमाग तेज है कि सही जवाब दिया टिका के। इसमें भी एक जहानत बताते हैं, जहानत वाली बात है ये माना जी, इसमें कैसे जहानत हो सकती है? जहानत पढ़ाई में अच्छी लगती है, अच्छे अमाल में अच्छी लगती है, बदतमीजी में जहानत कैसे हो सकती है? मैंने कई दफ़ा देखा है ऐसे गली मोहल्ले में लड़ाई हो रही है, माँ बाप अंदर बैठे हुए हैं, उनको पता भी नहीं है कि पीछे लड़ाई है, मगर कहते नहीं हमारा बच्चा ऐसा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल, हमारा बच्चा ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलते भाई इसने मारा नहीं, हमारा बच्चा मार ही नहीं सकता। बड़ों बड़ों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, उनकी सोच ये होती है बच्चे को अकेला छोड़ देंगे तो सब हमारे बच्चे पे हावी हो जाएंगे, लोगों का जहन ये होता है। हालांकि ये बात करेक्शन करने की होती है। और वो फिर ना थोड़ी देर में बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं, फिर आप बड़े खराब हो जाते हो, और बच्चा से सोचता है एक टाइम पे कि ये क्या है, वो बच्चे बिगड़ जाते हैं पता है। सही बात है, बिल्कुल बच्चे बिगड़ जाते हैं। अच्छा इंसान को वो भी नहीं होना चाहिए, इंतहा पसंदी भी नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर कि हर चीज़ में इतने हाइपर हो जाए पता ही नहीं चल रहा कि हमें करना है क्या है क्या नहीं। ना बर्दाश्त होनी चाहिए, बर्दाश्त होगी ना तो आप सारे रिश्ते को अच्छे से ले परेशानी तो होगी, लेकिन वो एंड ऑफ टाइम हम अपने बच्चों की भी अच्छी तरबियत कर सकते हैं इसी बर्दाश्त के बिना पर, और हम अपनी आखरत भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा हर अमल ही हमारी आखरत का सामान है। सही बात, ये नहीं है कि हम ये नहीं है कि हम खास काम करेंगे,
कभी बस कम पड़ गई कोई चीज तो कितने चक्कर जो है ना बच्चे लग जाते हैं। लगा रहे सही ऐसी बहुत जाहिर सी बात है, ऊपर का एक सेटअप चेंज हो जाता है ना। अल्लाह पाक कबूल करे जो भी हम ये करते हैं ना। अच्छा ये जो हम काम कर रहे हैं ना ये भी इबादत में शामिल है। अच्छा आज ही मैंने ना मुफ्ती अकमल जमाल है ना उनकी मुफ्ती अकमल उनकी मैंने आज यही सुना, किसी ने उनसे पूछा कि जैसे खवतीन ज़्यादातर ना इबादत नहीं करती, ज़्यादातर ना किचन में लगी रहती है और मर्द हज़रात जो है ज़्यादा इबादत करते हैं, सही एहतिकाफ़ में बैठ जाते हैं। अब लाजमत है मैं तो एहतिकाफ़ में नहीं बैठ सकती ना, मैं किस तरह बैठ सकती हूँ? सही बिल्कुल, बेल बज रही है, जिम्मेदारियाँ भी हैं, मैं जा रही हूँ किसी से मिलना है, मैं जा रही हूँ, अगर मैं माशाल्लाह बहुत जाऊँगी तो फिर जो है ना घर का कौन देखेगा, बाहर दरवाज़ा फिरते फिरते रह आएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो खवातीन काम करती है ना ये भी बहुत बड़ी इबादत है और हुकूक अल्लाह के साथ साथ हुकूक लिबाद भी है जो खवातीन जो है ना अदा करती हैं। अगर खवातीन भी है ना एक कमरे में बंद होकर बैठ जाएंगी ना तो फिर घर नहीं कौन देखेगा। और एक बात हुकूक लिबाद और ये हुकूक अल्लाह जो है ये हम कहते हैं ना कि हमारी मर्ज़ी किसी चीज़ में नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, क्या है मैं इतनी पतली हो गई ना नहीं मैंने गैजेट पहन रखा था मिस्टर इंडिया का वाकई है ना नीचे ऊपर चक्कर लगाने से बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बड़ी वर्जिश। मेरा तो फेस छोटा हो गया भाई आज का, मैं पीछे आ रहा है टाइम पीछे आ रहा है 4:50 अंबर यूँ भागता है दस्तखान में बैठने के बाद। तो जी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो कुकिंग विद शबाना के नाम से मेरी इंस्टाग्राम पे आईडी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।